दरभंगा में यातायात थाना के द्वारा चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। दरभंगा में यातायात थाना के द्वारा चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान, जिसमें दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वन में खड़ी गाड़ी को जब्त कर थाने ले आए, उसके बाद उचित फाइल लेकर सभी गाड़ी को छोड़ दिया गया। इसी दरमियान करीब 2 दर्जन गाड़ी को जब्त किया गया। वही थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने बताया कि यह अभियान लगातार चालू रहेगा, लोगों को सुविधा के लिए यह अभियान रोज किया जाएगा। एक जनता से निवेदन है कि वे लोग नो पार्किंग में गाड़ी न लगाएं। सड़क पर जाम लग रहा था, इसी के आलोक में हम लोग आगे अलपट्टी के पास और बेटा और दुलार के पास जो भी गाड़ी को रोक के अवैध रूप से पार्किंग में लगी थी, उस गाड़ी को उठा के हमने थाना लाए हैं और उसको हम NDIA के तहत फाइल करें। लगभग कुल कितने गाड़ी को जब्त किया गया? लगभग हम लोग करीबन 15 के आसपास गाड़ी अभी उठा के थाना लाए हैं और उसको हम फाइल करें। हम लोग अपील भी करना चाहते हैं, कृपया गाड़ी रोक के न लगाए, इससे जाम होता है और लोगों को परेशानी होती है। कपूर के पास जो पार्किंग स्थल बनाया हुआ है या शहर के पास जो भी पार्किंग, उसी पार्किंग में आप लगाइए, नहीं तो गाड़ी में रोड पर नहीं लग जाते हैं। क्योंकि जो भी किसी काम से आ रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक में आ रहे हैं, चाहे दुकान में लगाए, आप दुकान के अपने कैंपस में गए रोड पर गाड़ी लगाइए, आपके हम गाड़ी को उठा के थाना पिलाए, उसको फाइन करें। तो कितने का फाइन का प्रावधान है जो अवैध पार्किंग में लगाते हैं? अगर फाइन का 100 रुपये का फाइन है तो उसमें फाइन करेंगे, और 177 जो पहली बार आते हैं उनको 500 रुपये का फाइन करते हैं, उसको दोनों फाइन करते हैं। तो ये सब गाड़ी कहाँ लाया गया है जब तक? ये जब तक यातायात थाना लगाया गया है, ये हम अभियान लगातार चल रहा है। किस तरह से जिनकी वाहनों को जब्त किया गया है, किस तरह से अपने वाहन को वो लोग चला सकते हैं? वहाँ पर सूचना दे दिया गया कि आप अपने जो जो आप लगाए आस पास जो आप दुकानदार उनको बता दिया गया कि गाड़ी थाना का ले गया, अगर वो लोग आएंगे तो उनको यातायात थाना भेज दीजिएगा और वहाँ पे आकर NDIA के तहत जो फाइन भरेंगे और उनके घर को हमें छोड़ देंगे। अभी फिलहाल हम लोग 1 वे का भी काम किया 2-3 दिन से, तो अभी तो बहुत सारे कंट्रोल हुई है, लेकिन लोग से अपील कर रहे हैं कृपया कोई भी हो, जैसे इमरजेंसी है तो वो जा सकते हैं, लेकिन आप 1 वे नियम का पालन कीजिए और शहर पर जाम न लगेंगे, क्योंकि शहर में जाम लगता है तो आम लोग को बहुत परेशानी होती है। आप लोग को बहुत सारी शिकायत भी आ या फिर मीडिया के माध्यम से पेपर के माध्यम से भी जाम है शहर में, ये सब विषय भी यही सब कारण से हम लोग अभी कटनी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो कि 2-3 दिन पहले भी हमने कार्रवाई किया है और आपको तो कितना भी चलाया था और अभी हम लोग फिलहाल कार्रवाई करते रहेंगे। लोगों से अपील करें थोड़ा पार्टी मौसम निकाले। अभी दरभंगा के अलनपट्टी बेटा और भी कई जगहों से डोनाल की तरफ से जब्त किया गया अवैध पार्किंग, तो क्या दरभंगा शहर में और भी कई प्रमुख चौक चौराहे सड़क है जहाँ पे लोग अवैध पार्किंग कर देते हैं, जिसके कारण सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न है? सूचना मिला है, उसके लिए हमने बेस्ट प्लान हमने भेजा, फिर भी रास्ता के लोग बताते हैं, हम जैसे पार्किंग बताते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब अगला जो कार्रवाई होगी किस चौक चौराहे पर अभियान के लिए? नेक्स्ट हम लोग मिर्जापुर के आपका नाका पास के पास भी शिकायत आ रहे हैं। और इस न्यूज़ के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।